हादसे का ही भयंकर मंजर और पूरा इलाका दहल गया। राजधानी लखनऊ में मंगलवार की रात भयंकर हादसा हो गया। सिलेंडर फटने के बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। लखनऊ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां घर में रखे सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में परिवार के 9 लोग आ गए। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल लखनऊ के काकोरी में हाता हजरत साहब काकोरी कस्बे में देर रात लगभग 10:30 बजे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले मुशीर अली जरदोजी कढ़ाई का काम करते थे। मुशीर के घर में सिलेंडर रखे हुए थे। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में रखे सिलेंडर में धमाका हो गया। सिलेंडर फटने के बाद आग की चपेट में मुशीर और उसके परिवार के 9 लोग आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इस हादसे के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में रखे 2 सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे कुल 9 लोग घायल हो गए थे। उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां 5 लोगों की मृत्यु और 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस बल व फायर सर्विस मौजूद है। आग को बुझा लिया गया है। ये धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की दीवार भी उड़ गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला शॉर्ट सर्किट से जुड़ा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही घर में रखे 2 सिलेंडर फट गए। हादसे के बाद सभी को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां 5 लोगों की मौत हो गई और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतकों में मुशीर अली, उसकी पत्नी हुस्ना बानो, भांजी उमा, हिना और भतीजी राइया की मौत हो गई। मुशीर की 2 बेटियां, 1 भांजी और लड़का गंभीर हालत में बताया जा रहा है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।